मुरादाबाद के थाना मेनाठेर पुलिस ने आज आदिल प्रकरण में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में पांच आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। दरअसल पिछले दिनों एक परिवार थाना मेनाठेर के सामने अपने परिजन की बरामदगी को लेकर धरने पर बैठ गया था। इनका आरोप था कि उनके बेटे आदिल को मुमताज किरनन ने धोखे से बुलाकर गायब कर दिया है। इस मामले में आदिल के परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि इन लोगों ने आदिल को मारकर अलीगढ़ में फेंक दिया था, जहां पर उसकी बॉडी अज्ञात में दर्ज थी। मेनाठेर पुलिस ने जब शव की पहचान परिजनों से कराई तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। एसपी देहात के अनुसार इस घटना में शामिल पांच लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उनकी जानकारी के अनुसार आज सलीम और अफसर नाम के आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र मेनाठेर में एक आदिल नाम के व्यक्ति के गायब होने के संबंध में उनके परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर धारा 365 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचना के दौरान ये पता चला कि पांच लोग उनको हत्या के नियत से गायब किए हुए थे, तो उन पांचों की गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। आज जिन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि आदिल मुमताज़ नाम के किन्नर के साथ रहता था, इनका आपस के विवाद हुआ और इन लोगों ने मिल करके, मुमताज और ये जो दो आज गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों ने मिल करके उसको अपने बोलेरो गाड़ी में रॉड से मार करके उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसको ले जाकर के अलीगढ़ में डाल दिया गया था। आज जिन दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया, परिजन भी उस बॉडी को पहचान चुके हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी शेष है और उसकी गिरफ्तारी के बाद घटना को संपूर्ण क्रम और जानकारी हो जाएगी। सर, मुमताज क्या कारोबार करता है और ये लगभग गिरवी कब मिली? मुमताज एक किन्नर है और उनके द्वारा अपना जो परंपरागत रूप से जो कार्य किए जाते हैं किए जा रहे हैं। डेड बॉडी अलीगढ़ में पहले ही मिल चुके थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद हमारे संज्ञान में आया, हमारे द्वारा वेरीफाई किया गया, वहाँ अज्ञात में अभियोग पंजीकृत था। रीजन ये आदिल और मुमताज में आपसी मतभेद थे।